हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है दिल से एक्टिव आरजे ब्लॉग्स में। आज हम लोग निकल रहे हैं तारापीठ के लिए, और आज हम अकेले नहीं हैं। आज जो हम निकल रहे हैं पूरा फैमिली के साथ निकल रहे हैं, ठीक है। और आज मेरा जो ड्रेसअप है वो ये है मेरा ड्रेसअप, ठीक है। और हम लोगों के साथ पूरा फैमिली जा रहा है, हम अकेले नहीं जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मम्मी है, पापा है, सब लोग हैं। पापा मम्मी को तो पहचानते हो, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मम्मी सब बिजी है, अभी सब बैग वैग देख रहा है। चलिए दोस्तों, बाहर जाके मिलते हैं, जी रेडी हम लोगों के साथ। तो दोस्तों, अभी हम लोग जिधर उबेर बुक किया है उधर ही जा रहा है। आज हम बहुत ज़्यादा डल है, मुझे नींद नहीं हुआ है। सबसे पीछे देखिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है सबसे पीछे, और सबसे आगे अभी हम लोगों का मम्मी पापा जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहले ओला तक पहुंचते हैं जो मैंने बुक किया है। बहुत बहुत लेट हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है आपका 5:30 ऐसा कुछ हो रहा है। जम थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, गला भी बैठ गया है। चलिए गाड़ी में जाके बात करते हैं। बस तो हम लोग फाइनली अभी ओला में आ चुके हैं, और हम सब लोग जा रहे हैं एक ही साथ। पापा छुप के बैठा है पीछे, तो ऑलमोस्ट हम लोग लेट हो चुके हैं। ओला जो बुकिंग टाइम था उससे तकरीबन हम लोग 20 मिनट्स लेट हो चुके हैं। और अभी सियालदह हम लोगों के घर के पास ही रहता है, तो 30 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, आज हम लोग जो माइक मैंने जब लोगों को दिखाया था, मैंने बुक किया था, वो माइक अभी तक आके पहुँचा नहीं। जो मेरा पैंट भी था वो भी नहीं आया अभी तक। मैं नॉर्मल जो पैंट उस दिन जो पहना था वही पहन के जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, सीधा स्टेशन में जाके मिलते हैं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो हम लोग सियालदह पहुंच चुके हैं, और इधर थोड़ा तो जैम रहता है, और देख लीजिए सियालदह हम लोग आ चुके हैं। तो गाइज, हम लोग फाइनली ट्रेन में आ चुके हैं, और हम लोगों का जो टिकट है वो 60 है और 59 है। एक हम लोगों को विंडो मिल गया, और मेरा बेस्टी उसमें कब्जा कर लिया है। देखिए मुँह दिखा, अभी देख आराम से बैठ गया है, ठीक है। तो मम्मी पापा थोड़ा सामान खरीदने के लिए गया है खाने पीने का। ये है, ये ऐसे ही करता है जब भी किधर जाता है ना, तो ये जो सीट होता है विंडो वाला ले लेता है, ठीक है। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इनका नाम जो है उसका रानी नाम है, और हम लोग कुछ दूसरा नाम तो बताते हैं, वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों का दोस्ती का तकरीबन 14 ईयर्स का हो गया है, और हम लोगों का जो फैमिली है उनके फैमिली के साथ भी इनका हम लोगों का मतलब मेरे पापा के साथ भी इनके पापा का दोस्ती है, तो उसी हिसाब से ये भी मेरा दोस्त हो गया। बस ठीक है दोस्तों, पहले ट्रेन चलने दो, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। इसका मुंह एक बार देखो कैसा बना के बैठा हुआ है, से हाय। बहुत ज़्यादा शांत है, सिर्फ मेरा दिमाग ही खाता है, और ज़्यादा कुछ खाती नहीं है, तो पतला है ना। ठीक है दोस्तों, बाकी अब ट्रेन छोड़ते हैं, तब बात करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप लोगों के प्यारे आरजे के साथ। दोस्तों, फाइनली हम लोगों का ट्रेन छोड़ चुका है, आप लोग देख सकते हो ट्रेन चलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आज हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना, हमको पता है हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ना तो मैं कल रात को सही से सोया हूँ, तकरीबन 2:30 को कल हम सोए थे, और सुबह सुबह निकल के घर से कितना 5 o'clock उठ के 5:30 को निकल के 6 o'clock आप लोगों को देखा मैं गाड़ी में था। बट मेरा बेस्ट बहुत फ्रेश है, वो फ्रेश है। और सीट जो है वो अलग अलग है। तो दोस्तों, चलिए दुआ कर दीजिए कि हम लोग अच्छे से तारापीठ पे पहुँच जाए। कोशिश करेंगे दुर्गा पूजा तक अपना सेटअप कंप्लीट करने का मैं, ठीक है। आप लोगों को ये जो मैं जो तकलीफ़ जो देता हूँ ना, वीडियो देखने के लिए क्वालिटी नहीं है, वॉइस नहीं है, दुर्गा पूजा तक झेल लीजिए थोड़ा। जैसे सपोर्ट कर रहे हो डेली, कोई ना कोई मेरे को सब्सक्राइब भी कर रहा है, शेयर भी हो रहा है, वीडियोस बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बोल रहा हूँ। तो ये करते रहिए आप लोग, और जुड़े रहिए मेरे साथ। ट्रेन अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अगर ट्रेन में देखिए हम तो कुछ नहीं खाते, आप लोगों को पता है। अगर हम कुछ खाते हैं उसको तो खिलाना पड़ेगा ना, वो तो
काटने ही आया है मेरा, तो ठीक है दिक्कत नहीं है, खिला देंगे, देख रहा है मुझे, घूर रहा है तो खिला देंगे, वो हम शेयर कर देंगे। और जो भी कुछ अगर देखने लायक कुछ है इस रस्ते में, मैं ज़रूर मैं दिखाते जाऊँगा, जो भी इसका खूबसूरती रहूँगे रहेगा, क्योंकि मेरे आँख में तो एक ही खूबसूरत है, जो तारा पीते जो तारा माँ है, जो शमशान है, सब घूमेंगे, सब कुछ दिखाएंगे, सिर्फ जुड़े रहिए आप लोगों का प्यार है आर जगह। ये जो बिस्किट देख रहे हो इसका नाम है न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव शुगर फ्री। जो बिस्किट मैं खाता हूँ जब से मैं जिम ज्वाइन किया हो, जब से मैं डाइट स्टार्ट किया हो, तब से मैं ये बिस्किट खाता हूँ, और ये बिस्किट आप लोग भी खा सकते हो, जिनका शुगर है वो भी खा सकते हो। दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट अभी आ चुके हैं, ये जा रहा है जगतदल, ये जगतदल के सामने से जा रहा है, और ये देखिए पूरा फैमिली साथ में है हम लोग का, ठीक है। और ये महारानी जो विक्टोरिया है वो देखो कैसे बैठ रहा है, ठीक है, ये देखो कुछ मालूम नहीं उसको, बहुत ज़्यादा दिमाग खाने वाली है, बहुत ज़्यादा दिमाग खाता है, ठीक है। अगर कोई अच्छा वाला अगर कोई लड़का मिल रहा है ना तो इसके साथ शादी देती हूँ, हाँ कोई अच्छा वाला अगर लड़का मिल रहा है तो इसके साथ शादी देती हूँ, ठीक है। ओके गाइस जुड़े रहिए, चलते रहिए, और अपने आरजे को प्यार देते रहिए, और सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार, क्या कर रहे हो। और एक बात है, आज रात को और एक वीडियो मिल जाएगा जो इससे थोड़ा हटके होगा, मेरे मम्मी पापा का वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसके हिसाब से एक वीडियो रहेगा। चलिए आगे चलिए, हम बताते हैं क्या प्लान है, नहीं ठीक है। तो दोस्तों हम लोग स्टेशन में उतर चुके थे, स्टेशन का नाम है रामपुरहाट। आप लोग अगर तारापीठ जा रहे हो तो आप लोगों को रामपुरहाट जंक्शन में उतरना है, और ये रामपुरहाट जंक्शन का रास्ता है, और हम लोग वहाँ से ऑटो लिए थे जो 200 रुपये का बुक किए थे हम लोग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो वहाँ का रास्ता कैसा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है और थोड़ा विलेज टाइप्स है, तो एक ही है, कलकत्ता से ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिखेगा, सिर्फ ऑटो में थोड़ा बहुत अंतर दिख जाएगा, ऑटो वहाँ पे कलकत्ता में जो चलता है वही चलता है, लेकिन यहाँ पर बुक करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जाते हैं तारापीठ, और आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों ये है तारापीठ गेट, जो यहाँ पे आप लोग जब भी तारापीठ में एंट्री कर रहे हो तभी ये तारा माँ का आप लोगों को मुख मंडल लगा हुआ एक ठो गेट दिख जाएगा, वही है तारापीठ गेट, और ये इधर भी लिखा रहेगा जो तारा माँ सारणी बोल के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा झुमका दिख गया था मुझे, और स्पेसिफिकली मैं अपने माँ के लिए झुमका देख रहा था, तो आप लोगों को भी मैं सोचा थोड़ा शेयर कर देने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर और कितना सारा झुमका है, बहुत ही सारा झुमका है, और मेरे फ्रेंड लोगों को भी, जो लड़की मेरा फ्रेंड है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है दूसरा भी है, सबके लिए थोड़ा बहुत मैं झुमका देख रहा था, तो दो तीन मैं झुमका लिया भी हूँ जो आगे आप लोगों को दिख जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए झुमका का जो नज़ारा है वो कितना सुंदर सुंदर झुमका है। अगर आप लोग तारापीठ आ रहे हो तो आप लोग ज़रूर काकातुआ झुमका स्टोर से आप लोग झुमका खरीद सकते हो, और इसमें से मेरे को एक तो पसंद आ गया था ये वाला, जो मैं अपने बेस्टी को दिया हूँ, बहुत ही सुंदर है। और हम लोग रूम लेने के बाद ही हम लोग चला गया था तारा माँ का मंदिर में शाम को, ये है तारा माँ का मंदिर जो हम लोग नाथ मंदिर से देख रहे थे। उसके बाद हम लोग शमशान में चला गया, और बहुत ही अच्छा बहुत ही शांत परिवेश था, क्योंकि देखिए गान इधर जो गाना चलता है वो गाना सुनने के बाद दिल में बहुत ज़्यादा शांति आती है। चलिए आप लोग भी थोड़ा सुन लीजिए जिसमें आप लोगों को भी थोड़ा शांति आ जाएगा। जय माता तारा। हम लोग थे जंक्शन लॉज में, और इस लॉज का जो हम लोग जो रूम लिए थे वो ये रूम का इंटीरियर है। चलिए आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और दिल से एक बार फिर से स्वागत है एक्टिव आरजे ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग निकल रहे हैं माँ तारा के मंदिर की तरफ पूजा देने के लिए, और टाइमिंग जो हो रहा है वो 6:05 है। हमने बोले ही थे पहले कि हम लोग जो मॉर्निंग का टाइम का जो पूजा होता है हम लोग वही देते हैं। पहले ये पूजा जो था वो शिला मूर्ति का होता था, और अभी जो शिला मूर्ति है वो शाम के टाइम दिखाने का, और पूजा होने का टाइम हो चुका है। पहले शिला मूर्ति जो मॉर्निंग को होता था वो अभी बंद हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग राजवेश में ही पूजा देंगे, और पूजा देने के लिए क्या लाइन होता है, कितना क्या नहीं है, सब कुछ बताएंगे, कौन सी
पंडित जी से हम लोग पूजा देते हैं वो भी हम बताएंगे। और एक बात हम ज़रूर बोल रहे हैं आप लोगों को, हम कोशिश करेंगे कि मंदिर का गर्भगृह का फोटो या तो वीडियो देने के लिए, बट हम लोग यहाँ पे 20 साल से आ रहा है, 20 साल से आ रहा है, कितना बार वो हमको खुद ही मालूम नहीं है। और हम लोग कभी भी अंदर का फोटो या वीडियो नहीं लिया है, क्योंकि बचपन से सुना है कि अंदर का फोटो या तो वीडियो नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, माँ को जाके सबके लिए हम दुआ करेंगे, और आप लोग भी मेरे माँ के लिए दुआ कर देना। आज मेरा माँ का है वेडिंग एनिवर्सरी था, अभी भी है, 8 तारीख है आज। तो सब लोग एक बार दुआ कर देना मेरे मम्मी और पापा के लिए कि ये दोनों पूरा जिंदगी अच्छे से बिताए और बहुत अच्छे से रहे। तो दोस्तों चलिए मंदिर जाते हैं, मंदिर के अंदर का दिखाएंगे, सब कुछ दिखाते हैं। सिर्फ आप लोग इस आरजे के साथ, आई मीन आप लोग प्यारे आरजे के साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधा मंदिर में जाके। तो ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं, और हम लोगों का जो पांडा है पीछे है, और ये है आप लोगों का माँ का मंदिर जो है। मम्मी पापा और मैं आया हूँ, और मेरा बेस्टी जो है वो थोड़ा पीछे है, बाद में आएगा। तो हम लोग आ चुके हैं तारापीठ के तारा माँ मंदिर में, और आप लोग ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाला VIP लाइन है, इस लाइन से हम लोग पूजा देंगे। ये लाइन में आप लोग अगर पूजा देना चाहते हो तो ज़रूर आप हम लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करो, और बहुत ही कम खर्चा में वहाँ पे हम आप लोगों का माँ का दर्शन करवा देंगे। और फिलहाल आप लोग देख सकते हो इधर हम लोग लाइन में हैं, ये VIP लाइन होता है, तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट लाइन देना पड़ता है, ज़्यादा लाइन नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम लोग एकदम माँ के मंदिर के जाने का जो लास्ट जो लाइन होता है उसमें हम लोग आ चुके हैं, और हम अभी अपना वीडियो बंद कर देंगे क्योंकि मैं गर्भगृह का वीडियो नहीं लिया। तो गाइस हम लोगों का पूजा हो चुका है। सच बोले तो मैं जब भी माँ तारा के मंदिर में आता हूँ तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बस एक ही दुआ करता हूँ कि मेरे माँ अच्छे रहे। और मैं अंदर का वीडियो नहीं लेता हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बस आप लोग दुआ करो कि मेरा माँ अच्छा रहे, और मैं जब तक जिंदा रहूँ इधर मेरे मम्मी पापा के साथ आ सकता हूँ। आप लोगों को भी अच्छे से रहे भगवान, अच्छे से रखे, और आप लोग भी दुआ करना मेरे लिए। पीछे माँ का मंदिर है और मैं अंदर का वीडियो नहीं लेता हूँ। चलिए दोस्तों हम निकल के बात करते हैं। फाइनली हम लोग पूजा दे के आ चुके हैं, फ्रेश भी हो चुके हैं, और अभी फिर से जा रहा है पूजा देने को। अभी भी हम लोग कुछ नाश्ता नहीं खा किया है। फिर से जो हम लोग जा रहे हैं वो है बाबा बामदेव का मंदिर। तो बाबा बामदेव के मंदिर में जाके हम कोशिश करेंगे वीडियो करने का। पहले तो पूजा देंगे, दिल शांत करेंगे, फुटेज उतना नहीं ले सकते हम क्योंकि बचपन से आ रहा है, और एक ही बात सुना है कि पिक्चर मत लो, तो वही हम लोग मानते हैं। कोशिश करेंगे फ़ोटो लेने के लिए। और अभी हम लोग जो जा रहे हैं, पूरा फैमिली जा रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी जा रहा है, हम लोग आ रहे हैं। पहले सब लोग जा रहे हैं अभी बाबा बामदेव का पूजा देने के लिए। मेरे मम्मी को देखिए, लाल परी लग रहा है, हुर की परी दिखा दो, लाल परी हाथ दिखा दो। सही, ठीक है दोस्तों पहले मंदिर जाते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। और ये हम तो दोस्तों उसके बाद हम लोग लेके आ चुके थे माँ तारा का जो भोग होता है, जो भोग थाली होता है। ये थाली आप लोगों को मिल सकता है आराम से वहाँ से, ये आप लोगों को 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये देखिए इधर सब्जी, एचआर का सब्जी है जो कटहल बोलते हैं, ये पायसम है, इधर भिंडी फ्राई है, इधर आलू फ्राई है, और यहाँ पे आम का चटनी था, और उसके साथ हम लोगों को और भी ज़्यादा फ्राइज है अभी भी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पर्पल फ्राई, यहाँ पे माछ जो फिश का जो हेड होता है उससे बहुत अच्छा एक तो सब्जी था, यहाँ पे ब्रिंजल फ्राई था, और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो फिश है। और ये आप लोगों को दिख रहा है पुष्प भात है, जिसको बंगाली में पुष्प भात बोलते हैं, और हिंदी में पुलाव, इंग्लिश में भी बोलता है, ये सब है। चलिए दोस्तों खाना खा लें। तो
तो फ्रेंड्स, मैं ये तो तारापीठ आया, आप लोगों को पता ही है, और मुझे इधर एक अचानक से एक दुकान मिल गया जिधर कुछ मतलब बहुत ही अजीब जैसा चीज़ मेरे को दिखने को मिला है। भैंस का सींग से बांसुरी है और आप लोग इधर देख सकते हो ये। चलिए अच्छे से पहले देख लेते हैं क्या है, और भैया भी है दुकान में, थोड़ा बात भी कर दुकान से बात। ये है दुकान, ठीक है, और इस दुकान में देखिए आप लोग कैसा अजीब अजीब चीज़ है। अभी रात का टाइम है, मैं कोशिश करूँगा कल सुबह को कैमरा लेके आने का, अभी मैं सिर्फ फ़ोन लेके आया हूँ। आप लोग ये भी पता है कर्नाटक का वीडियो के टाइम मेरा फ़ोन भी गिर गया था। भैया पहले चलिए एक बार भैया से पूछ लेते हैं। भैया जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? नील रॉय। नील रॉय, ओके। आर यू, आपको हिंदी आता है? ओके ठीक है। आपका ये जो दुकान है एक्चुअली किस चीज़ का दुकान है? तंत्र मंत्र का। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताइए, ये जो चीज़ है ये किस चीज़ से बना हुआ है? भैंसन का सींग है। अच्छा, भैंसन का सींग है ये। अच्छा, ये एक अजीब सा चीज़ लग रहा है, ये क्या है? कोफर जो पीस है, जो हवा पकड़ लेता है। अच्छा, हाँ तो वो फीस का ये पूरा सूखा हुआ है क्या? अच्छा, ये खाल है। ये कितने में आता है? 7,500। तो दोस्तों ये जो बफर फिश जो हम लोग जो खा लेते हैं वो सूखने के बाद 7,500 रुपए तक बनता है। कांटा ने 100 रुपए का बिका है। एक एक कांटा 100 रुपए का है। दोस्तों आप लोग एक बार ये चीज को सिर्फ ध्यान से देखिए, एक एक कांटा बोल रहा है 100 रुपए का, जो कांटा हम लोग फेंक देते हैं खाने से पहले। अच्छा दोस्तों देखिए, इधर कुछ नाग भी हमको दिख रहा है, बहुत सारा चीज़ है। इतना सारा तो हम उनसे पूछेंगे नहीं, ये तो रुद्राक्ष है, सबको पता है। नाग है पित्तल से है ना ये पित्तल का है। सही से दुकान लगाया नहीं, ठीक है, और भी तुम्हारा अंदर भी तो सुबह का अगर हम लोग आए तो आपको मिलेगा? हाँ हाँ, बड़े से सजा लेंगे, ठीक है, और भी अच्छा होगा। तो दोस्तों हम लोग सुबह आएंगे, अभी कुछ मेरे पास सेटअप नहीं है, माइक वगैरह कुछ नहीं है। कल सुबह हम लोग कोशिश करेंगे फिर से आने का। एक बार सिर्फ सामान देख लीजिए, जो जो मुझे पता है मैं खुद ही बता दूंगा। ये तो शायद ये क्या है, चना कुछ है? ना, वो आसल फल है। आसल होता है ना, इलायची। हाँ इलायची, अरे खुजली, उसके लिए बांधते हैं कमर में या हाथ। अच्छा दोस्तों, अगर किसी को अगर इचिंग हो रहा है तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। ये क्या कोई मंत्र है कि ऐसे बांध सकते हैं? कितना पीस बांधना पड़ता है? एक पीस, तीन पीस, ये सब बांध सकते हो। ये है, अरे ये तो कुछ बिजनेस वगैरह के तंत्र मंत्र, ये तो हमको पता है। ये क्या है बताइए, सियाल बैल का कुछ है क्या? कस्तूरी है, जैसे मिगना भी होता है ना, हिरण का नाभी होता है। हाँ हाँ हाँ, उसमें से सेंट निकलता है। ये मतलब ये किस चीज का है? हिरण का है ये, हिरण का है। हाँ, नाभी। हाँ, और ये वाला है गिधर का। अच्छा, ये गिधर का नाभी है, ये वाला गिधर का है, और ये हिरण का नाभी है। ये वाला कौन सा फल है? काम सिंदूर है। काम सिंदूर। अच्छा, मैं बहुत जगह सुना हूँ कि जो टॉर्टोइस का जो खाल रहता है वो भी है क्या? टॉर्टोइस का खाल, वो थोड़ा थोड़ा शायद मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरा ना मिलेगा, और पूरा अच्छा। बहुत दाम भी है बहुत, ठीक है। अच्छा, उसका भी तो बहुत अच्छा काम रहता है ना? काम तो बहुत उसका, ठीक है। दोस्तों कल सुबह आएंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसको हम लोग बंगाली में सजरू बोलते हैं, वही है ना, वो साई बोलते हैं। साई बोलते हैं। ये शंख वगैरह है, ये आप लोग कर्नाटक के साइड में ऐसे मिलता है, ये वाला भी खाते हैं आप लोग। हाँ है ना। हाँ, हम लोग इधर ये बहुत दाम है। कितने का आता है वो? पूरा का 11,000 का आएगा। दोस्तों ये जो हम लोग जो अंदर का निकाल के जो खा लेते हैं ना, वो देखो इधर देखो 11,000 का बिक रहा है, वो भी खाल वाला जो फेंक देता है। दोस्तों फेंका मत करो, इधर आ जाओ, कम से कम 5,000 में बेच दिया करो। बराबर तो बोले 5,000 तो मिल जाएगा ना इधर बेचने से, 2-4 पीस ला सकते हो, 2-3,000 आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों हम दूसरी बार जब आएंगे हम इसको एक बार लेके आएंगे, देखेंगे 2-3,000 मिलेगा तो मेरा ट्रेन का खर्चा तो निकल जाएगा यार कम से कम। ये भी होता है, इसको बोलते हैं बीन। एक मिनट दोस्तों रुकिए, बताएं ये किस चीज से बना होता है? ये बीन जो बोल रहे हो लकड़ी का ही है क्या? हाँ, लकड़ी का है, ये जंगली फल है। जंगली फल। हाँ, नाम क्या होता है? नाम इसको हम लोग नागिनी फल बोलते हैं। नागिनी फल। दोस्तों ये एक फल है, हमको लगा था कि ऊट से बनावट है। ये देखिए एक फल होता है, इसका कीमत कितना आता है? इसका पड़ेगा 2,200। दोस्तों ये 2,200 रुपए का है। ये क्या काम करता है इसका? तो दोस्तों ये है पूरा दुकान, ये देखिए किसी का हड्डी वड्डी होगा शायद, देख लीजिए। अरे रे रे दोस्तों, जिसका मैं चेन पहना करता था ना, देखिए ये पहला अंग्स का था, वो तो छोटा छोटा था, इससे भी छोटा। हाँ छोटा था, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है। ये दोस्तों ये मुझे पता है, ये बहुत ज्यादा काम का, ये मुझे खुद ही पता है, मैं पहनता था, मेरा चोरी हो गया दोस्तों, आप लोगों को पता है, वो वीडियो भी मैंने दिया था। कितने का है ये आपके पास? ये जोड़ा पड़ेगा 16,000 का। दोस्तों वो दादी ने पहनवाया था जन्म के टाइम, वही ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो,
ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो। 16,000 का मैं नहीं पहनना चाहता हूँ, फिर भी पड़ेगा 2,500 रुपए। कितना सा है 2,500? देखिए ये वाला तो बहुत ही सामान है। देखिए ये क्या इंसान का हड्डी है क्या? ना वो गीत का है, गिदर का है। अच्छा ये गीत का है, गीत का है, गीत का है। अच्छा सुकून जो होता है, ये देखो खुद खाने वाला खुद परा हुआ है हड्डी में, ठीक है। ये देखो अंदर वाले बोन मेरो भी दिख रहा है, देख रहे हो? ये चमकादार का है, हड्डी और नाखून। यार चमकादार भी रख दिया है, देखो यार वो तो खा लेते हैं यार, आराम से लोग खा लेते हैं। चमकादार ना खाते हम लोग इधर, नहीं बंगाल इधर में नहीं खाते हैं, गोवा साइड बहुत खाते हैं। ये कौन सा चीज का इस, ये कौन सा है? ऊंट का खाले, हिरण का खाले, धनुष पक्षी का मुंड है, ये आपका घोड़े के दांत है, ये आपका एक तो है सिंह है, एक तो चीज का, ठीक okay. है। उसके बाद ये है आर्टिफिशियल शेर का नाखून, ठीक है। ओरिजिनल वाला नहीं मिल जाएगा, लेकिन हम लोग के पास ना है। अच्छा देखिए आप लोग ये आर्टिफिशियल वाला भी यूज कर सकते हो, जो लोग ओरिजिनल नहीं मिल रहा है बहुत ये भी यूज कर सकते हो। देखो बहुत जो लोग बोलते हैं डायमंड पहनो उंगली में, ठीक है, सफिशियंट हिसाब से काम करते हैं। डायमंड अगर नहीं मिला तो क्या पहनते हैं वो जार। ये कितने का है? ये पड़ेगा 700 रुपए का। देखिए प्लास्टिक का होता है, आप 700 रुपए से पहन सकते हो। सफिशियंट हिसाब से आपका जैसा पत्थर में रहता है, ठीक है, चूनी में होता है स्टार रूपी, वैसे आप लोग यूज कर सकते हो इसको। उससे ये एक अच्छा सा दुकान। आपका दुकान का नाम क्या है भैया? तारामा रुद्राक्ष भंडार। आपके दुकान में अगर कोई आना चाहते हैं शमशान की तरफ से भी बता दीजिए, रोड से बता दीजिए। तारामा का मंदिर है, वहाँ से शमशान रोड है, शमशान रोड के यहाँ पर बामदेव घाट है, बामदेव घाट के साइड में है। बोले तो आपका यहाँ पर शमशान है, शमशान के रास्ते मेन पोर्शन में मेन सीधा बात बोले तो जहाँ पे बामदेव घाट है, अगर वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उसके राइट साइड में आपका दुकान आता है, तारामा स्टोर है ना, शमशान घुसने की सबसे पहले। एक मुझे बात बोली, ये चीज क्या है? ये कैमरे पे उतना अच्छे से नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं मॉर्निंग को और एक बार आऊंगा। क्या है ये? इंद्रजाल। इंद्रजाल है, ब्रह्म जाल है, बहुत किस्म जाल होता है, एक किस्म का ना होता है, ठीक है। अच्छा समुद्री उद्भिद है, समुद्र में। हाँ ये समुद्र में मिलता है दोस्तों। ये जो दुकान है इसमें आपको तंत्र विद्या का चीज मिल जाएगा, तंत्र मंत्र का सारा सामान पूरा, बस ये कारण से आपको आपको पता है तंत्र मंत्र कैसे करता है कुछ मालूम? थोड़ा थोड़ा पता है, हम तो सीख रहे हैं, थोड़ा 8 साल से सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी भी कंप्लीट कभी भी भूसीकरण भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ना करते हैं, हम लोग के ऊपर भी है बड़ा बड़ा महामंडल, उसके बाद आपका अघोरीनाथ नाथ है, जो लोग भूसीकरण होता है, मतलब भूसीकरण होता है, थोड़ा थोड़ा करता है। अभी सुने की भूसीकरण भी होता है, तो भाई जिन लोग प्यार में फेल हो रहे हो मेरा बात मानो, पीछे मत भागो कुत्ते के जैसा, सीधा आओ इस भैया के पास, सीधा आ जाओ और भूसीकरण का सामान ले गए जाओ, और पढ़ाई में भी वही चीज यूज करो। अगर सच में होता है, मुझे मालूम नहीं आज तक, अगर होता है आओ टीचर को भूसीकरण करो, एग्जाम दे दो। तो दोस्तों ये दुकान, ठीक है, दुकान का आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया से रखा है और कस्टमर आना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो मैं मॉर्निंग को जब ये दुकान को मैं फिर से आऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा 100 में, क्योंकि मुझे और 2-3 जगह भी जाना है, और इधर रात के टाइम है, मैं कैमरा भी नहीं लाया, मैं ऐसे ही घूमने को आया था, मैं ये दुकान देख के मुझे अच्छा लग गया, और मैं माइक भी नहीं लाया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लाउडली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग हम मेरा वीडियो देखते रहते हो, अगर इनसे किसी को भी कुछ मालूम है तो काइंडली आप लोग इसमें मेरे को कमेंट कीजिए, और वॉइस के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए आपको माफ कर देना मुझे। भैया आपका नाम क्या था और एक बार बता दीजिए? नील रॉय। अगर आप लोग तारापीठ में आ रहे हो तो नील रॉय का जो भैया का दुकान है, बामदेव घाट है, इस तरफ आप लोग देख सकते हो, इस तरफ बामदेव घाट है, चलिए हम लोग भी दिखा देंगे कल मॉर्निंग को। बामदेव घाट में आपको ये दुकान मिल जाएगा दादा नील रॉय का, ठीक है दोस्तों। फिर ये दुकान आप लोग याद रखिए, अगर जिन लोगों को भूसीकरण करना है, प्यार में फेल हो रहे हो, सबसे बड़ी बात आओ भूसीकरण करवा के जाओ, इंद्रजाल वगैरह है। चलिए तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और जुड़े रहिए। तो एक आम पन्ने का दुकान मिला है, देखो यहाँ पे आम पन्ना चल रहा है, आम को जला के उसका पेस्ट से कुछ बनाते हैं, वही बनाएंगे, चलिए बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। खा के टेस्ट करके देखते हैं एक बार।
बहुत ज़्यादा खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टा है, बिकॉज दिस इज शुगरलेस आम पन्ना। ये वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा चलता है। दोस्तों मैं आज मैं चले जा रहा हूँ और ये जो मंदिर है तारा माँ का मंदिर है आप लोगों को पता ही है, और ये जो जगह है वहाँ पे बलि होता था, ठीक है, ये पे बलि होता है। चलिए आज मैं थोड़ा सा मंदिर घुमा के दिखा देता हूँ। इधर हम यज्ञ सब कुछ होता है, ये देखो पहले से लेके रिजर्व हुआ है। ये वामदेव सती घाट है, वामदेव सती घाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मंदिर रहेगा आपका, ये आपका बाबा भोलेनाथ का है, शंखचूड़ का है, भैरव बाप का है। चलिए दोस्तों फिर हम लोग निकलते हैं अभी, ठीक है, अभी हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग अभी मंदिर छोड़ के निकल रहे हैं, दुआ करो कि फिर से 3-4 महीने में आ सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों कोई बोला कि अभी मुझे रुको, थोड़ा सा टीप पहन लो अच्छा लगेगा, चलो हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा टीका लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय माता। तो चलिए दोस्तों तारापीठ का जो रास्ता है वो थोड़ा देख लेंगे, पहले चलिए चप्पल ले लेते हैं। तो आप लोग जब तारापीठ में आओगे तो आप लोगों को तारापीठ का जो रास्ते में ये सब भंडारा का दुकान मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग आके पूजा दे सकते हो, नहीं तो मैं एक पंडित जी का मैं नंबर भी दे दूंगा अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में। चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये है बाबा वामदेव, गुरु वामदेव, ये है गुरु वामदेव का मंदिर। तो वही मैं बोल रहा था दुकान ही दुकान मिल जाएगा, लेकिन माता रानी का जो मंदिर वंदिर है जो जहाँ पे चौरन मतलब माता रानी का जो चरण जिसको बोलता है वो जहाँ पे है वो उसके पीछे होता है। ये देखिए ये इसका पीछे रहता है, ठीक है, और आगे भी ऐसा दुकान आपको बहुत मिल जाएगा। जैसे कि देखिए आप लोग देख सकते हो कि इतना दुकान हो चुका है, ठीक है, तो शमशान में एक टाइम उतना दुकान नहीं था, ठीक है, और अभी जो है ना कि मतलब आप लोग जैसे कि सोचते हो कि शमशान में साधु तो आपको मिल जाएगा। जय माता रामा। तीन दिन से मैं देख रही हूँ, जय माता रामा। ये जो माँ देख रहे हो आप लोग, मैं अपने एक बहुत ही खास आदमी के लिए मैं एक तेल लेके गया था। मैं बेटे को 3 दिन से देख रही हूँ, आज मैंने बुलाया इसको, तो मालूम नहीं है क्यों मैंने आशीर्वाद दे दी, उसका हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। अगर यूट्यूबर में है तो यूट्यूब में सब अच्छे हुए, नाम कमाए। ये माता जब भी अगर तारापीठ में आ रहे हो इनसे मिल सकते हो। इन जो ये जो माता रानी है वो आगे ये जो बेदी आप लोगों को दिख रहा है ये बेदी में बैठे रहते हैं, और मैं इनसे एक बार तेल भी ले चुका हूँ और बहुत अच्छे मेरे को फल भी मिल चुका है। तो जब भी आ रहे हो इनसे एक बार मिल सकते हो आप लोग आके। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माता रानी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आपको शमशान की तरफ है, ये शमशान की तरफ है जहाँ पे इंसान को अंतिम संस्कार किया जाता है, लास्ट जहाँ पे आता है और सब कुछ विलीन हो जाता है यहाँ पे आने के बाद ही मन को शांति मिलता है। हम तो इतना ही बोलेंगे बस। अकेला होते हुए आज मैं कोई सेटअप नहीं है यार, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ। जो ये जो शमशान देख रहे हो ये तो शमशान तो नाम का है, अभी मैं तो सीधा बोल रहा हूँ,
क्योंकि देखिए ये जो जगह था ना पहले पूरा मतलब ब्लीन था, मतलब सब कुछ आप लोग देख सकते हो। अभी तो चुल्ली वुल्ली कर दिया, रास्ता अभी दुकान जैसा पूरा दुकान लग जाएगा। आप लोग जब आओगे तभी लोग वैसे दिखेगा ही नहीं कि शमशान जैसा पूरा, जैसा हम लोगों का कलकत्ता का कालीघाट है ना वैसे ही है। ये देखिए लिखा हुआ है, देखिए तारापीठ महाशमशान, शमशान का महिमा है, जिसको पता है वो आता है। अभी तो बहुत लोग चप्पल में भी जाता है, ये देखिए अभी टायर भी जा रहा है, तो वो शमशान में पूरा पूरा घुस चुका हो। ये देखिए पीछे जो ये जो आप लोगों को राख दिख रहा है, ये इंसानी का ही राख है और कुछ नहीं। देखिए पूरा शमशान है वो, पूरा पूरा का पूरा ये, पूरा का पूरा ये शमशान ही है। तो दोस्तों ये है लोकनाथ रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग इतने साल से खाना खा रहे हैं। और आप लोग अगर तारापीठ विजिट कर रहे हो तो इसी रेस्टोरेंट में खाना खाना, बहुत ही अच्छा खाना देता है। यहाँ पे प्रॉपर बंगाली थाली भी मिलता है आपको, ये साइड मिल जाएगा नॉन एसी वाला। और ये हम लोगों का मैनेजर है, हमको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और ये साइड में आप लोग देख सकते हो ये एसी वाला, और जहाँ पे मेरा मम्मी पापा और मेरा बेस्टी बैठा हुआ है, और मैं आ चुका हूँ। आपको सिर्फ ये सीट का क्वालिटी दिखा रही है, एक बार देख लीजिए इतना अच्छा सीट क्वालिटी है, वहाँ पे एसी है, इतना अच्छा इंटीरियर।